डिजिटल दहशतगर्दी का हवाला तो उन्होंने दिया है, उसके नतीजे के अंदर कुछ कहा गया कि जी फायरवॉल जो है उसका इंतज़ाम किया जाएगा। फिर हमने देखा कि किस तरह एक्स के ऊपर भी बंदिश लगी हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये कहा है कि जी एक्स के ऊपर बंदिश बड़ी ज़रूरी थी मुल्क की सालमियत के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो आप समझते हैं यही इसका हल है कि एक फायरवॉल होनी चाहिए और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कदगने लगनी चाहिए? देखिए जी, ये हकीकत तो है कि सोशल मीडिया न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए सरदे दर्द बना हुआ है। और सोशल मीडिया एक मसला तो है, फेक न्यूज़, प्रोपेगंडे, ये सारा सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन इसका हल ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका हल ये है कि हुकूमत इसके लिए एक कमेटी बनाए, वो सबके साथ मुशावरत करे, मीडिया से भी मुशावरत करे, इंसानी हकूक के तंजीमों से भी मुशावरत करे, सिविल सोसाइटी को भी दावत दे दे के भाई आए, हम सारे मिलके इसके लिए कोई इस तरह का बंदोबस्त करें कि ये जो हमारे लिए सरदे दर्द बना हुआ है कि इनसे हमें निजात मिले, और सबके मुशावरत के साथ। और अगर इस तरह का कोई लायामल बन जाता है, ऐसा लायामल जो काबिल कबूल भी हो और जो इस पे अमल दरामद भी हो, लेकिन हमारा मसला तो ये है पाकिस्तान में कि हम कानून बनाते हैं किसी और काम के लिए। नहीं, मगर आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी अखुनज़ादा चट्टान साहब, बहुत अच्छी तजवीज़ दी। आप लोग इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, कमिटीज़ जो हैं उनके हेड्स आपके लोग हैं, आपने ये तजवीज़ दे सकते और जिस तरह आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, आपने इंश्योर कर सकते कि ये बात इम्प्लीमेंट हो? चूँकि इस वक्त फैसले जो हैं उनके पर अमल दरामद पहले हो रहा है, मुशावरत की बात भी बाद में हो रही है। बिल्कुल जी, लाहौर में जो इज्जत हातक का बिल लाया था, इस पर हमने शदीद एहतजाज किया और हमने यही मशवरा दिया था हुकूमत को कि आप हमारे साथ मुशावरत करें, अपोजिशन के साथ मुशावरत करें, मीडिया के साथ मुशावरत करें, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के साथ मुशावरत करें, सिविल सोसाइटी को दावत दे दे के हमें इसमें आप लोग मशवरा दे दे के चलो। तो फिर अभी आप करें, अभी कम से कम मसला ये है फायरवॉल के ऊपर आप हमारे साथ जी, फायरवॉल के ऊपर हमारा जी मुनीजा, हमारा मसला ये है और हमारी शिकायत ये है कि हुकूमत ने हमारे साथ जो मुआहिदा किया था इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। कौन सा मुआहिदा? और इस पे अगर हम सर कौन सा मुआहिदा जाते हैं तो फिर वही होगा कि इलेक्शन होगा। कौन जब हम इलेक्शन हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोबारा इलेक्शन होगा। हमारी मजबूरी ये है कि हम चाहते हैं आखिरी हद तक कि ये सिस्टम चले। बट सर एक सेकेंड, कौन सा मुआहिदा, किस मुआहिदे की बात कर रहे हैं आप जिसके पर अमल दरामद नहीं हुआ? जी, हमने इसमें ये था कि हम जुडिशरी में इस्लाहात करेंगे, इसमें ये था कि हम इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात करेंगे, इसमें ये था कि हम नेप का इदारा खत्म करके किस तरह का इदारा बनाएंगे जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स सबका एहतिसाब करे और किसी पे हाथ डाले तो कोई शक न करे कि ये वार्ड में जो मिनिस्ट्रियां जाते हैं 18वीं तरमीम के, वो मिनिस्ट्रियां खत्म करेंगे, वो सूबों के हवाले करेंगे। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमारे इनके साथ मुआहिदा हुआ है, लेकिन अब इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, अखुनज़ादा चट्टान साहब, अब तो ऐसा लग रहा है कि आप दो तिहाई अक्सरियत खो चुके हैं जब से सुप्रीम कोर्ट की ये फैसला आया है। ऑन अब्बास साहब जी, ऑन अब्बास साहब मुनीजा, इसमें दो तिहाई अक्सरियत की जरूरत नहीं है, नीयत की जरूरत है। अच्छा नीयत, 2008 में हमारे पास सिंपल अक्सरियत नहीं था, लेकिन हमने 18वीं तरमीम किया, हमने एनएफसी वार्ड किया, जरूरी नहीं है कि आपके साथ जी।